राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के उपस्थिति में परभणी में कार्यकर्ता मेला संपन्न हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारियों हेतु परभणी जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मेले का आयोजन किया गया था। प्रमुख अतिथि राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे और परभणी जिले के स्थानिक विधायक और नगर सेवक पदाधिकारी असंख्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हमने भी चलाई है, मगर झूठे आश्वासन किसी को भी नहीं दिए। सबसे बड़ी किसानों के कर्ज माफ करने का निर्णय लेने वाली हमारी सरकार थी, वो भी सभी किसानों के लिए। लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए, आश्वासन देने वाली नहीं। आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस को भारी सफलता मिलेगी। साथ ही परभणी मनपा की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले के पुतले का अनावरण शरद पवार साहब के हाथों हुआ। उस वक्त परभणी मनपा के आयुक्त, महापौर, नगर सेवक व मनपा के कर्मचारी और फूले प्रेमी भारी संख्या मौजूद थे। परभणी से नजीब सिद्दीकी की रिपोर्ट। तुम्ही आमच्या साहेबांना विचारताय की काय केलं, आरोप करा। एवढ्याला थांबलं पुन्हा म्हणले, अगर भारतीय जनता पार्टीने आपले सारे दरवाजे खोल दिए तो राष्ट्रवादी में शरीफ पवार साहब बची। कोणी जातीचं कोणी धर्माचं कोणी पंथाचं असतं तर ते बाबाजींनी सांगायचे, म्हणून मी त्याला विचारलं काय म्हणलं कसं झालं तुमचा खेळ। त्यांनी सांगितलं की 8 दिवसांनी चार पाच नेते काय गेले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संपली। अरे माझ्यासारखे या महाराष्ट्रामध्ये लाखो तरुण जोपर्यंत या तरुणाईच्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीने कितीही दिवसात स्वप्न बघू द्या की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कधी संपत नसते।